मुंबई सायन कोलीवाड़ा वार्ड 174 की नगर सेविका कृष्णा वेनी रेड्डी के 3 साल सफलतापूर्वक पूरे होने के उपलक्ष्य में और महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में इकट्ठी यह भीड़ साबित कर रही है कि नगर सेविका कृष्णा वेनी रेड्डी लोगों का कितना काम करती होंगी और उनका रिलेशन सबसे कितना अच्छा होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि नगर सेविका कृष्णा वेनी रेड्डी के इस कार्यक्रम में मुंबई बीजेपी की वरिष्ठ महिला पदाधिकारियों के साथ साथ एक नहीं बल्कि दो दो विधायक कैप्टन तमिल सेल्वन और विधायक प्रसाद लाड़ पहुंचे थे। सभी ने कृष्णा वेनी रेड्डी की जमकर तारीफ की। कृष्णा वेनी रेड्डी अच्छा काम किया है, आगे भी काम करना चाहिए, पार्टी का वातावरण बनना चाहिए, जनता का सेवा करना चाहिए, मैं इतना बोलता हूँ। भगवान का आशीर्वाद से आगे बढ़े, धन्यवाद। पानी का समस्या पहले से बहुत अच्छा है, 4 साल से छोटा मोटा तकलीफ है, वो भी वो कल परसों दूर हो जाएगा, धन्यवाद। हमारी नगर सेविका हमारी बहन कृष्णावल्ली रेड्डी जी वार्ड नंबर 174 में इतना अच्छा काम कर रही है, ये भीड़ उसी की ये देते दे दिखा रहा है कि लोगों में उसकी कितनी परिचिति है और लोगों का कितना प्यार है। मैं मेरी बहन को 3 साल पूरे होने के मौके पे बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आज जैसे मैंने उनको वचन दिया है कि शौचालय का काम हो, बालवाड़ी का काम हो, मेरे विधान परिषद दीदी से भी मैं उनको देने की कोशिश करूंगा। और इस विभाग में मैं पला बड़ा हूं, तो इस विभाग में आमदार होने के नाते जो भी मेरे से बनेगा वो अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। वो तो एक 29 तारीख को 29 फरवरी को माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल के हाथ से सायन में होने वाला है, जिसका मेन सेंटर का उद्घाटन अभी होगा और आने वाले 6 महीने में उसका उपकेंद्र हर विधानसभा क्षेत्र में शुरू करेंगे। आज का समा तो वाकई बहुत खूबसूरत है, मालूम पड़ रहा है कि कुर्सियां कम हो जाएंगी, ग्राउंड कम हो जाएगा और महिलाएं हमारी बढ़ती जाएंगी। हल्दी कुमकुम बहुत ही अच्छा एक पर्व है, महिलाओं के लिए हम शुभकामनाएँ देते हैं। इसके साथ ही जो हम ये प्रोग्राम करते हैं उससे हम अपनी महिलाओं की स्ट्रेंथ भी शो करते हैं, हम अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं कि जननी शक्ति महिला शक्ति में कितना दम है, कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है। तो उस ताकत के साथ हम यहाँ खड़े होते हैं और बहुत सारी महिलाएं यहाँ आ चुकी हैं। इसमें 174 में जो हमारी नगर सेविका हैं कृष्णा वेनी रेड्डी जी, उनका भी स्वभाव बहुत अच्छा है, तो एक कार्यशैली होती है, कार्यप्रणाली होती है, एक स्वभाव होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके वशीभूत होकर लोग दौड़े चले आते हैं। तो उनका वो आकर्षण है उनके अंदर कि मैं भी दौड़ी चली आई हूँ और लोग भी दौड़े चले आ रहे हैं। कि नगर सेविका कृष्णा वेनी रेड्डी जी ने हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा है, उसमें महिलाओं की इतनी संख्या है, इससे ही पता चलता है कि कृष्णा जी ने कैसा काम किया है, महिलाओं को कैसे जोड़ा है, अपना संगठन को कैसे बढ़ाया है। ये सब महिलाओं का संगठन देखते हुए हमें यही महसूस होता है कि आने वाले दिनों में ये सीट फिर से हम जीतेंगे। इसके अलावा इसके आजू बाजू में जो हैं, जो हम थोड़े थोड़े मतों के लिए हार गए थे, वो भी हम सीट जीत के निकालेंगे। और ये जो संख्या आज की आई है, इसके ऊपर से हम आने वाले 2022 का पूरा अनुमान लगा सकते हैं कि सायन कोलीवाड़ा पूरा हमारे बीजेपी का होगा। और इससे हमारे जो बहनें हैं वो आज की जो संख्या देखने के बाद प्रेरित हो जाएंगी कि नहीं, जो आज बीजेपी की नहीं है और फिर भी हल्दी कुमकुम के बहाने हमारे पास आई हैं, तो इनको देखने के बाद वो जरूर ये सोचेंगे कि नहीं, अगले बार हम बीजेपी को ही वोट देंगे, जैसे कि इस बार कृष्णा वेनी रेड्डी आई है, अगली बार हमारी और बहनें भी इस मंडल में जीत के आएंगी। वो एक कहावत है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस दल बल के साथ में महिलाएं आई हैं। ये हमारी बहन यहाँ की स्थानीय नगर सेविका कृष्णा वेनी रेड्डी जी का 3 साल का कार्यकाल और 3 साल के काम है, वो बताते हैं कि कितनी महिलाएं अलग अलग वर्ग से, अलग अलग जाति धर्म से सब आई हैं, इधर जुड़ी हैं और टोटल कम्प्लीट हम लोग आप बोल सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत कम हैं, मतलब हैं लेकिन संख्या बल उतनी नहीं है। महिलाओं की आज संख्या बल इतनी ज़्यादा है कि आज बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है और इनकी जो इधर उपस्थिति है, ये कृष्णा वेनी जी के काम की को स्टैंप देती है कि बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, मेरा काम का बारे में मैं बोलने से अच्छा जनता ही बोलेंगे, उनसे आप बाइट ले लीजिए, वो लोग भी बताएंगे। और आज मेरा 3 साल पूरा मेरा कार्यकाल ख़त्म हुआ,
तीन साल में मैं जितना काम करना चाहिए, जितना नगर सेवक के हिसाब से जितना काम करना चाहिए उससे डबल ट्रिपल काम मैं किया, क्यों दिन रात मैं मेहनत किया तीन साल, एक दिन भी मैं छुट्टी लेके घर पे बैठी नहीं है। वो हमारा सभी कार्यकर्ता को, हमारा सभी जनता को भी मालूम है मैं कैसे भाग दौड़ कर रही हूँ। हर डिपार्टमेंट पूरा मेरा 174 वार्ड में 40% कलेक्टर लैंड है, 60% MMRDA लैंड है। वो ऐसा जगह पे काम करने के लिए कितना दिक्कत होती है सभी को मालूम है। तो हर जगह में घूम घूम के मैं NOC लेने का, फंड्स पर सैंक्शन कराने के लेने का। तो माड़ा ट्रांसिट का ऐसा एरिया है कि कभी कुछ डेवलप ही नहीं हुआ, BMC उधर जाके काम ही नहीं करते। ऐसा जगह पे मैं काम करना चालू किया और MMRDA वाला भी उधर काम करने के लिए मान लिया, मुझे NOC भी दे रहे और आधा भी काम चालू भी हुआ, नाला का सब काम चालू हो गया, पानी का पाइप डाल के दे रही हूँ। और ये इधर भारतीय कमला नगर में बहुत पानी का दिक्कत है, वह ऐसा जिधर जिधर पानी का दिक्कत हो रही है ऐसा सभी जगह में नया नया पानी पाइप सब 9 इंच का 6 इंच का जिधर जैसा लगेगा वही सब से पानी का पाइप भी डालवा के दिया और भी काम चालू है। और जिधर जिधर रोड का काम है, जिधर जिधर पैसेज का काम है, जिधर गली गटर का काम है, हर तरह का काम मैं तो करते जा रही हूँ और जनता भी देख रही है। और मेरा तीन साल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा सफल से मैंने काम किया। और मेरा मैं काम कर रही हूँ, देखो मैं अकेली काम नहीं किया, मेरा कार्यकर्ता मेरा साथ में और मेरा जनता मेरा साथ में, तभी मैं एक काम कर पाई। मेरा अकेले से कुछ काम होने वाला नहीं है, इन लोगों का सपोर्ट से आज मैं सफल हुआ। इसके लिए मैं पहला जनता को, मेरा कार्यकर्ता लोगों को मैं धन्यवाद कहती हूँ। इसी दौरान वार्ड 174 के नए BJP वार्ड अध्यक्ष और टीम की घोषणा भी की गई, जो नगर सेविका कृष्णा वेणी रेड्डी के साथ क्षेत्र के विकास कार्य में हाथ बटाएंगी। वार्ड अध्यक्ष 174 के नव निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष जी का फूल गुच्छ देके स्वागत करते हुए हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री प्रसाद लाड जी को अनुरोध करता हूँ कि उनका स्वागत करें हमारे नव निर्वाचित। जब से क्षेत्र में चुन के आई हैं आज 3 साल पूरा हुआ है और 3 साल में उन्होंने जो काम किया है उसका आज नतीजा आपने देखा है। तो आज इन्होंने मैं इनको बहुत बचपन से जानता हूँ और इनका मेरा बहुत घरेलू संबंध है पहले से, और इनका जो काम करने की शैली है, लोगों बीच पे जाके गली गली घूमना, उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, रविवार नहीं देखा, संडे नहीं देखा, छुट्टी नहीं देखी, दिन रात बरसात का मौसम नहीं देखा और दिन घर घर जाके लोगों के बीच उनकी समस्याओं को देखा। आज आपको मालूम है जिस क्षेत्र के नगर सेविका हैं, टोटल स्लम क्षेत्र है, वहाँ पे माड़ा चाली से लेके विजयनगर से लेके कोयला गली से लेके कमला नगर भातीपुर स्लम एरिया है। ऐसे स्लम एरिया में जहाँ पे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने के पानी की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, ऐसे क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है वो बेमिसाल है। तो इन्होंने जो आगे का उन्होंने आज जो आपको भाषण में उन्होंने बताया सब जो लोग काम कर रही हैं, आज आने वाले दिन में क्षेत्र का जो विकास होगा, जो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो सबका विश्वास, वो सफल होगा और इनके क्षेत्र में वहाँ अच्छा काम होगा और आने वाले 2 साल के बाद फिर इस क्षेत्र के नगर सेविका चुनी जाएंगी। हमारा पहले कर्तव्य है कि सभी काम को और आगे बढ़ाने का है और मैडम के नेतृत्व में काम करने का, और उसके बाद में 2 साल के बाद में फिर से वापस इतना मेहनत करना है, अपने को मेहनत करके लाना है कि मैडम को दोबारा नगर सेवक बना के इधर से भेज नगर वार्ड से भेजना है। मेरा यही 2 शब्द कह के धन्यवाद करता हूँ। नहीं भाई साहब, मैं जब से नगर सेवक बनी है तभी से भाई साहब देखते जा रहा है, जब भी मैं प्रोग्राम में मिलते जाएगी तो मेरे को हमेशा बोलते बहन आप अच्छा काम कर रहे हो। मैं भी उनको बोलती हूँ भाई साहब आपको कैसे मालूम है, तो बोलते हैं बहन मेरे को सब मालूम पड़ता है, तो आप अच्छा काम कर रहे हो, आप ऐसे करते रहो, मेरा सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा करके। तो भाई साहब से भी मैं इसका पहला कभी कुछ मांगी नहीं, तो अभी मैं पहला बार उनको यही मेरा जो बालवाड़ी का जो मांग, तो क्योंकि बालवाड़ी ये सब मेरा फंड से होता नहीं है तो मैं इसमें बहुत परेशान थी, तो फंड कैसे लाना है कैसे क्या करने का, और जनता का भी बहुत मांगता है मैडम जल्दी से जल्दी वो बालवाड़ी बना के दीजिए। तो मेरे को मालूम पड़ा कि एक MLC साहब से उनका फंड से सब बालवाड़ी बनेगा, तो मैं आज भाई साहब से मांग लिया, तो भाई साहब मेरे को वादा किया भाई साहब वो देंगे मैं बालवाड़ी सब, वो भी मार्च महीने में ही बोल दिया, तो जल्दी से जल्दी मेरा वो भी काम हो जाएगा। हर काम अभी 3 साल में जितना काम हुआ उसका 3 गुना 4 गुना ज़्यादा काम अभी ये 2 साल में होने वाला है, क्योंकि अभी देखिए पहली बार मैं नगर सेवक बन के आई, मेरे को सिस्टम समझने के लिए 1 साल गया,
मेरे को पहला ABCD मालूम नहीं था सिस्टम के बारे में, मैं पॉलिटिकल लाइन में नहीं था, तो मेरे को सिस्टम सीखने के बाद 2 साल से हर डिपार्टमेंट में हर काम के लिए मैं हर बार घूमते जा रही हूँ। आज MMRDA डिपार्टमेंट में जाइए, MMRDA हर अधिकारी मेरे को जानते हैं और हर अधिकारी यही बात बोलते हैं, मैडम आपका जैसा नगर सेविका का हम लोग आज तक देखकर नहीं है, हर हफ्ते में आप 2-3 बार इधर आ जाती हो, आप इतना फॉलोअप लेती हो, तो आपके लिए हम हर काम आपका मैं हम लोग सैंक्शन करा के देने के लिए हम तैयार है मैडम करके वो लोग बोलते हैं। उसका बाद जो वर्ली हब सेंट्रल काम का जो भी है वहाँ का अधिकारी लोग भी मेरा साथ इतना अच्छा, मतलब मेरा इतना तारीफ करते हैं, मैडम आप कितना फॉलोअप लेती हो, आपका जैसा अभी 4-5 दिन पहला